इन तमाम शंकाओं और सवालों का जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। डॉक्टर चीन की इस बीमारी को डिकोड भी करेंगे, ये भी बताएंगे कि भारत में बच्चों का ख्याल आखिर कैसे रखना है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फौरन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है आपको दिखाते हैं। चीन में खतरे की आहट को देखते हुए हिंदुस्तान पहले ही अलर्ट पर आ चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में अस्पताल में बेड की उपलब्धता से लेकर दवाएं, टीके, मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन किट, टेस्ट किट, वेंटिलेटर जैसे सामानों की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। चाइना में फैला है इस वक्त एक रहस्यमय वायरस जिसको कहा जा रहा है मिस्टीरियस निमोनिया। आखिर ये बीमारी क्या है, इसको लेकर सवाल तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार भी इस वायरस को लेकर बहुत सतर्क हो गई है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका खतरा बड़ा हो सकता है और भारत तक आ सकता है। इसी को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और उसने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि ये जो बीमारी है इससे लड़ने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। इसीलिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना तैयार हमें रहना है। कोई पण प्रकारनी परिस्थिति पर सरकार सतत ध्यान दे रही छे। कोई पण प्रकारे चाइना नी अंदर जे रीते न्यूमोनिया फैलाई रह्यो छे ए प्राथमिक रीते आईसीएमआर अने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस एना पर ऑब्जर्वेशन करी रह्यु छे अने आवश्यक पगलाओ लेवाई रह्या छे। एडवाइजरी जारी करके बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामलों पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। जांच के सैंपल को लैब भेजने के लिए भी कहा गया है और चीन के एक अधिकारी के मुताबिक मार्च तक इसका खतरा ज्यादा बड़ा है। चीन में जो कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं किया जा सकता उसकी वजह भी जान लीजिए। Welcome to Inconvenient Truth. I'm your host, Jennifer Zheng. Jennifer Zheng, चीनी ब्लॉगर और सोशल एक्टिविस्ट। ये वो चेहरा है जिसने कोविड महामारी के दौरान चीन के चेहरे से झूठ और फरेब का नकाब दुनिया के सामने उतारा था और आज एक बार फिर जेनिफर चीन की भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने लेकर आई हैं। Is COVID back or did it never leave? क्या कोविड वापस आ गया है या फिर कभी गया ही नहीं था, या ये कोई नया वायरस है? इस वक्त चीन में बच्चों को बुखार, जुकाम और सांस संबंधित मामले देखे जा रहे हैं और यहां तक कि वाइट लंग से जुड़ी मौत की खबरें भी आ रही हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर ने अपने ब्लॉग में चीन के अलग अलग अस्पतालों की तस्वीर को दिखाया है। ये तस्वीर बीजिंग के बाइचन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां अस्पताल में एक दिन में 3,000 से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, वही पीपीई किट। ये तस्वीरें हमारे भीतर कोरोना के भयानक दौर वाले खौफ की याद दिलाती है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सचेत और अपडेट रखना है। अगर हालात बिगड़े हुए ना होते तो चीन के स्कूलों के भीतर पीपीई किट पहनकर इस तरह से दवाइयों का छिड़काव ना किया जा रहा होता। ये तस्वीर बीजिंग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है, जो चीन का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। अस्पताल का हाल देख लीजिए, लोगों का ऐसा हुजूम दिखाई दे रहा है कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड और बाकी सुविधाएं मिलनी तो दूर, इमरजेंसी में भी वेटिंग टाइम 24 घंटे तक का दिया जा रहा है। चीन की ब्लॉगर जेनिफर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन में इस नई बीमारी के लक्षण हूबहू कोविड और सार्स से
मिलते हैं। Chinese experts said that this is a mixed infection of various respiratory. चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये COVID-19, इन्फ्लुएंजा और माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया जैसी अलग अलग सांस संबंधी बीमारियों का सामूहिक संक्रमण है। क्या सच में ऐसा ही है? चीन में बच्चों के बीच फैल रही इस बीमारी को लेकर चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बीमारी को बच्चों के बीच सांस से जुड़ी एक मामूली बीमारी बताया था, लेकिन 14 दिन के भीतर ही सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि चीन में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद ये पहली सर्दी है। चीन इसे सर्दी के मौसम का सामान्य वायरस बता रहा है। हमने डॉक्टरों से पूछा कि चीन में जो बीमारी आतंक मचा रही है उसका सर्दी से कितना रिश्ता है और ये भारत में बच्चों के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारत के लिए कितना खतरा होगा ये, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज़्यादा रहस्यमयी बातें नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इलनेस है। इनमें से इन्फेक्ट माइकोप्लाज्मा का तो ट्रीटमेंट भी है एजिथ्रोमाइसिन के जरिए, पर जब भी आएगा भारत में तो उस तरह से डील किया जाएगा। इनफैक्ट ये हो क्यों रहा है, इसको हम कहते हैं लॉकडाउन एग्जिट वेव्स या इम्यूनिटी डेट्स। क्यों होता है, क्योंकि अगर कुछ साल तक लॉकडाउन रहे तो उस समय में एडल्ट्स और बच्चों में नॉर्मल जो वायरसेस फैलते हैं, फ्लू के वायरसेस फैलते हैं या RSV के वायरसेस फैलते हैं, वो नहीं फैले उनको उस समय में, तो इसलिए उनको उन वायरसेस की इम्यूनिटी नहीं आई। और जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तो क्योंकि इम्यूनिटी नहीं थी उन वायरसेस के लिए या बैक्टीरिया के लिए, तो सडनली वो एक स्प्लर्ज आया उन केसेस में। तो इसको इम्यूनिटी डेट की तरह देखा जाए कि जब ये 2-3 साइकिल्स हो जाएंगी इन वायरसेस की तो इम्यूनिटी आ जाएगी और फिर केसेस कम हो जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।